उनकी कुछ खिदमत आपकी बारगाह में पेश करनी थी। काफी देर से दिल में तमन्ना थी, तो अभी 3 माह के बाद मैंने फिर चले जाना है वापस यूनान। तो मैंने कहा छोटे मुर्शिद पाक की बारगाह में कुछ खिदमत कबूल देनी थी, अगर कबूल फरमा लें। ठीक है, मौला ताला कबूल फरमा ले। जी हजूर, हजूर कोई अकाउंट नंबर मुझे बता दें। जी नंबर माजिद शरीयत की आख दी जेड़ा शरीयत दे दायरे विच आवेगा रहेगा अकाउंट नंबर बता दीजिए। आप किथे बोल रहे हो? कुफराबाद से, गुलाम मुर्तजा। अच्छा गुलाम मुर्तजा, लिखो नंबर है। जी बताएं। 0307 0307 73 कैसे कहते हैं? जी 63 724 724 इस अकाउंट में नाम किसका आएगा? अब्दुल मास्टर आएगा। अब्दुल माजिद। जी हजूरे वाला इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट यही है, दूसरी 50,000 आती है दो दफ़ा। जी नहीं है हजूर, अगर एक दफ़ा ही मैं मैदान से आपको क्लियर करवाऊँ 1,00,000 रुपया, तो आप छोटे हजरत साहब की बारगाह में पेश कर दें, या 50-50 अलहदा करवाना पड़ेगा? हाँ 50-50 अलहदा। जी हजूर दुआ फरमा दीजिए। जैद कैश है ना? हाँ जैद कैश है, तो फिर मैं कोई और थोड़े देर खड़े तो फिर तो मैं दूसरा फोन मैं नंबर मैं लिख लेना वहाँ। जी तो कल फोन करना, आज वो है ना सरकारी छुट्टी है ना, आज इतवार है। जी ठीक हो गया। तो छोटे मुर्शिद पाक से बात करवाना। हाँ मैं बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अधूरे वाला, अब्दुल माजिद के नाम से मैंने ना इनसे अकाउंट नंबर ले लिया है, तो तकरीबन ये कह रहे हैं लिमिट घट है, तो 50-50 हज़ार दो मरतबा आएगा। अच्छा एक दफ़ा वो कहते हैं हमारी लिमिट नहीं है। तो आपसे मैंने एक और मशवरा करना था, तो वो ना मैंने हजूर एक मशवरा और अर्ज था। जी। तो इंशाल्लाह आज तो खैर सरकारी छुट्टी है ना, इतवार है। जी। तो कल आपको क्लियर हो जाएंगे, 24 घंटे में 50,000 आएगा, 50 फिर, तो वो कबूल फरमा लेना, और मेरे आले खाना के लिए दुआ भी फरमाना। ठीक है। तो दूसरा हुजूर अर्ज़ी
अर्ज ये है कि अगर आप आपके जो बड़े भाई हैं जो ख्वाजा मोहम्मद शफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके दरबार पर अगर कुछ नजराना देना चाहो तो दे सकता हूँ। दरबार जी दरबार जी हजूर, जी हजूर वो ना मेरी वो मेरी जो वाइफ है ना वो बीवी वो कह रही थी कि हम बड़े मुर्शिद के दरबार पर भी अगर कुछ दें तो वो बेहतर है। मैंने कहा है, मैं हम छोटे अदसा पे पूछ लेते हैं, वो जो हुक्म फरमाया हमारे लिए वो बेहतर है, नुमाई फरमाएंगे ना। जी हजूर वो लाख एक जो लाख है ना वो तो मैंने आपकी खिदमत के लिए अपनी आखिरत के लिए भेजना है ना। रही बात दरबार की, वो भी आपको ही भेजूंगा, आप जो बेहतर समझे दरबार पर किस जगह पर काम होना है वो हमारा तो मकसद है ना दरहन की सआदत। जी ठीक है, फिर दरबार के पैसे मैं उस अपनी बेगम को कहता हूँ कि हमने उधर नहीं भेजने। तो वो मेरे मैं असल यूनान में था तो वो बाद में जाती थी उधर हाजिरी के लिए, वो पैसे दे के आती रहती थी, तो आप उनका क्या बनेगा? फिलहाल तो आना जाना बंद है ना। जी तो वक्त के साथ देखो बात चलाएगी। जी हजूर, हजूर मुफ्ती साहब का नंबर मिल सकता है? हाँ मुफ्ती साहब का नंबर वो मुफ्ती साहब का नंबर तो लेना पड़ेगा, उनके भाई छोटे साथ साहब है ना उनका नंबर है। जो हजूर अगर लिखा दे तो शुक्रिया होगा। चलो हजूर वो नया मदरसा बना रहे थे ना, नया मदरसा, तो वो छोटा भाई ये कहता था कि इधर भी 2 लाख अगर दे दे फिर हमने तो यूनान वापस चले जाना है। ठीक है ठीक है, तो मेरे को सारे मिल जाते। यानी फिर आप कोई दे दे आप जैसे मुनासिब समझेगे उनकी ना। जी जी अगर उनको हम भेजेंगे तो वो जो खादमीन है वो आगे पीछे पैसे कर लेंगे, लेकिन बेहतर है कि आपको भेज दें। आपको देना आप भेज दूंगा। जी आप उधर चिश्ती साहब को भेज देना, 5 लाख फिर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है इंशाल्लाह। जी हजूर दुआ फरमा दीजिए। जी जी हजूर चिश्ती साहब से खैर वो मसरूफियत होती है, उनसे तो खैर बात ही नहीं होती, आपने बहुत मोहब्बत हमारे साथ की बात करके। वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube जी हजूर आपके अलावा मैं किसी के लड़के को पैसे नहीं भेजूंगा। लाइक करें वीडियो को लाइक करें। जी अस्सलाम वालेकुम।